अस्सलाम वालेकुम चैनल पिक्चर शूटर पे खुश आमदीद। आज सियालकोट में फोटो वॉक का एहतमाम किया गया था, जिस सीआरसी चैप्टर सियालकोट ने एहतमाम किया और डिस्कवर पाकिस्तान ने इसकी पूरी कवरेज की है। तो ये उनकी गाड़ी मौजूद है और बाकी अपनी बाइक कम्युनिटी मौजूद है यहाँ पर। ये स्टैंड लगा हुआ, इस पर वो बैठ जाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मिला करते हैं। इलामा इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल जा पहुंचे। यहाँ पर शाह साहब जो कि इकबाल मंजिल के केयर टेकर हैं, इन्होंने अपने इस्तकबाल किया। इस वक्त हम इकबाल मंजिल में हैं, सियालकोट के जो गुंजान आबाद और ओल्ड पार्ट है वहाँ हम मौजूद हैं और हम इस बारे में थोड़े यहाँ के जो इंचार्ज है, केयर टेकर है, उनसे मालूम करते हैं। पहले तो जी आपको बहुत सा शुक्रिया कि आप बड़े गुंजान आबाद इलाके में आए, लेकिन जो भी है कि आपकी बाइक बड़ी दूर खड़ी है, क्योंकि ये जैसे लाहौर में डॉक्टर साहब का घर है ना, बता रहे वो भी असल है। तो ये घर भी असल है, ये 1912 में बना हुआ है और अभी तक इसके दरोदार डॉक्टर साहब के दम से मुजैन है। अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको एहसास होगा जैसे अभी डॉक्टर साहब उठ करके, और जहाँ पर उनका बचपन बल्कि 18 साल तक जहाँ और यहीं से उन्होंने स्कूल भी जाना शुरू किया, अपने वालदैन की तरबियत का असर है तो जो उनकी जिंदगी में अधूरे पार कर दौसल में भी इसको उनके वालद साहब ने सिखाया था। और कुरान पाक की रोज तिलावत करना और बिला दागा पढ़ना ये डॉक्टर साहब का मामूल है। और इस घर में जो तरबियत और वालिद और वालिदा, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं शेख अता मोहम्मद, वो भी इसी तरह, लेकिन उनकी तरबियत उनके वालिद ने ज्यादा की और उनको अंग्रेजी आर्मी में ब्रिटिश आर्मी में बैरक मास्टर जॉब करवाई और इस घर को दोबारा जो बनाया ना उस बात को उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद ने बनाया और 1912 में यह घर कम्प्लीट किया। जहाँ आप खड़े तो आप लगा लीजिए, इस वक्त इसकी उम्र 110 साल है तकरीबन, तो इसके अंदर जो आप तस्वीरें देखेंगे वो 80% असल हैं, उसमें कोई कलर नहीं है क्योंकि उस वक्त कलर फोटोग्राफी नहीं थी तो ब्लैक एंड व्हाइट थी। और हमने कोशिश ये की है कि डॉक्टर साहब की नुमाया तस्वीर हो, जितनी भी तस्वीरें आप बताएं और उसमें कम अज कम झूठ का सहारा था तो सच है वो सच है। और इसके अंदर उनका जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है PhD तक वो सारा लगाया है, किसके लिए, इनके लिए जो लोग आ रहे हैं आप देखते हैं, लेकिन उसको दुनिया के कायदारों के साथ अगर आप जाए तो वहाँ की ऐसी कोई चीज नहीं जो कि उन लोग को करना चाहिए, क्यों ये हम आने वाली जो हमारे पीछे जनरेशन आ रही है उसके लिए बना रहे हैं, तो ये सारा का इसीलिए बनाया था कि उनको हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं। अरे कौमी शायर हजरत अलामा मोहम्मद इकबाल, इसे इकबाल लाहौरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए और तकरीबन 18 साल उन्होंने इस घर में अपने जिंदगी के वक्त गुजारा यहाँ, और इसको काफी अच्छा रेनोवेट किया गया और अब गवर्नमेंट ने इसको एक म्यूजियम की शक्ल दे दी गई और यहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है, यहाँ उनके सफेदात और उनकी बुक्स और उनकी शायरी को अवेजा किया गया है ताकि यहाँ लोग आए उनको उसके बारे में काफी सारी मालूम यहाँ मिल सके। और मैं कहूंगा कि जो जिंदा कौमें हैं वो अपने जो कौमी विरसा है, कौमी असासा जात हैं, उनकी हिफाजत करती है, उनकी देखभाल करती है, ये भी उसका एक सबूत है कि इसको अच्छी तरह से महफूज किया गया और आने वाली नस्लों के लिए इसको कायम दायम रखा गया और एक अच्छी हालत में ये आने वाले लोगों तक पहुंचेगा जी।
ये जो उनके अलामा इकबाल के बेटे हैं जावेद इकबाल और साथ उनके उनका ही बड़ा बेटा मुनीर इकबाल है और क्योंकि जावेद साहब भी इसी घर में पैदा हुए 5 अक्टूबर 1924 को तो इस नाते उन्होंने ये मुझे बनाकर भेजी तो मैंने उसको बड़ा करके लगाया था कि और लोग भी देख सकें। तो ये नज्म है डॉक्टर साहब की, ये उनके अपने ही हाथ का लिखा हुआ है कि जो भी ये दूर पड़े आने वाली इकबाल मतलब खुश जमीर भाई और कोयला जलाएंगे लेकिन धुआं जो है वो कमरे में नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। और आखिरी जो डॉक्टर साहब का विजिट है इस कमरे में वो 1934 क्योंकि उनके बड़े भाई की बड़ी बेटी की शादी थी, उसके निकाह में उनके दस्तखत थे। उसके बाद डॉक्टर साहब की डेथ है 1938 लाहौर में जावेद मस्जिद जो घर उन्होंने खुद अब खुद बनाया है, ज्यादा 2 या 3 दिन का स्टे है उनका। और जी सर आप साथ आइए, आप साथ आइए प्लीज, आप सर साथ है, आप साथ आइए प्लीज। जहाँ खड़े जितने कमरे हैं सब के जोड़ो दरवाजे और जिस जगह हम खड़े हैं क्योंकि उनका मेहमान खाना उनके मेहमान देर तक उनके हवादा झरोकों को भी खोलकर दिखाया जो बाजार की तरफ खुलते हैं और बताया कि यहाँ जो भी लोहे का काम हुआ है वो मुकम्मल हाथ का है क्योंकि उस वक्त वेल्डिंग मशीन ईजाद नहीं हुई थी। इकबाल मंजर की वीडियो का मुकम्मल लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इसकी मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से बाजार को एक्सप्लोर करते हुए तारीखी इमारतों को देखा और वॉक करते हुए किले की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। किले की एक फसील और सुरंग का हिस्सा देखा जो कि पुरानी छोटी इनका बना हुआ जैसे किले के काफी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अब यहाँ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिसेज बनाए गए हैं और कुछ लोग भी आबाद हुए हुए हैं और किला अभी उसके कुछ पार्ट जो है ना वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड अभी तक मौजूद है और उस किले की वॉल का भी कुछ इतना पुराना जो ये छोटी ईंटों से किला बनाया गया था, काफी बड़ा किला है और ये डिफेंस से बनाया गया।